यूपी में फरुखाबाद नाम की जगह है, वहां पे हुकुम सिंह नाम के एक बंदे का बैंक अकाउंट था एसबीआई में, और एक और हुकुम सिंह उसी डिस्ट्रिक्ट में था एसबीआई में, उसका अकाउंट था। समहाउ दोनों हुकुम सिंह के बैंक अकाउंट फ्यूज हो गए एसबीआई में। लंचार में ऐसा हो सकता है, हो गया, बस हो गया। उसमें एक हुकुम सिंह पैसा डाल रहा है, वो दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, वो निकाल रहा है, ये डाल रहा है वो निकाल रहा है। बहुत देर में जब पता चला, वो हुकुम सिंह से पूछा गया कि भैया आपको क्या लगा पैसे कहां से आ रहे हैं? बोला मुझे लगा मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने जो 15 लाख प्रॉमिस किए थे वो दे रहे हैं। इस आदमी का भोलापन मैं वारी जाऊं। उसको लगा मोदी जी ने जो 15 लाख प्रॉमिस किए हैं वो ऐसे 200, 250, 500 के इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपए? मोदी जी वो 2 बीघा जमीन के बलराज साहनी हैं जो दिहाड़ी में रिक्शा चला रहे हैं और सोच रहे हैं आज 200 मिला है, आज 200 ही दे देते हैं हुकुम सिंह को। कुछ तो बेचारा वेट कर रहा वहां पे, आज कोई नहीं, आज 272 रुपया ही हम दे देंगे। लेकिन वो दूसरे हुकुम सिंह से किसी ने नहीं पूछा कि तेरे को क्या लगा तेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं भाई। फाइनली जब पूछा गया वो बोला मुझे लगा नेहरू जी निकाल रहे हैं। ये अच्छा 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।